एक आदमी जो आदमी पिछले 7 साल से शिवसेना और बीजेपी को पर्दे के पीछे साफ तौर पर, चाहे इलेक्शन हो और चाहे असेंबली में आवाज बात करने की बात हो, चाहे राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात हो, मेरा इल्जाम है राष्ट्रपति के इलेक्शन में एमआईएम के एमएलओ ने बीजेपी के उम्मीदवार को साफ सीधे सीधे जाकर वोट दे दिया, सीधे सीधे वोट दिया था बीजेपी। तो वो कौन थी तब? एमआईएम, जहां एमआईएम का कहीं पे भी वजूद भी नहीं है, वहां भी जाकर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, जज्बाती तकरीरें करते हैं, झूठा प्रोपगंडा कांग्रेस के खिलाफ करते हैं, नौजवानों को वरगलाते हैं और लोग उनके बहकावे में जज्बात में आकर अपने वोटों को एमआईएम को दे देते हैं और उसके बाद वोटों का बंटवारा होता है और बीजेपी शिवसेना का फायदा होता है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी को ताकत 2014 से लेकर और हर चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करके कौन पहुंचाता है, महाराष्ट्र की आवाम साफ तौर पर जानती है और समझती है। जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवारों को लेकर जाए, अब सवाल ये पैदा होता है कि जहां 3 लाख 4 लाख मुसलमान है वहां से भी मुसलमानों को उम्मीदवारी ना मिले। अकोला में 3.5 से 4 लाख मुसलमान है, अगर वहां से हम मुस्लिम उम्मीदवार ना दें, तसेच प्रकारच्या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा त्यांनी ठिकठिकाणी उम्मीदवार उभा केलेला आहे। आणि हा दोन्ही वंचित आघाडी आणि समाजवादी एसपी आणि बीएसपी यांनी जे वेगवेगळे उमेदवार उभे केलेले आहेत, आता लोकांना हा संशय वाटलेला आहे, संशय झालेला आहे की ह्याच्या पाठीमागे कुठली ताकद आहे। एक सेक्युलर फ्रंट, एक महाआघाडी विकल्प तुमच्या समोर असताना सुद्धा, तुम्हाला मान सन्मान या पक्ष बाकीचे पक्ष देत असताना सुद्धा तुम्ही वेगळा उमेदवार का उभा करताय? का मताचा विभाजन करायचा आहे, सेक्युलर मताचा डिव्हिजन करायचा आहे? अरे ह्याचा फायदा सरळ भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनाचे जे संयुक्त उमेदवार आहेत त्यांना द्यायचा आहे? हा तरी कट नाही आहे का? हा एक चर्चा